नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, स्वागत करता हूं सभी का टेक्निकल एसके स्मार्ट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी बताने वाले हैं कि कॉपीराइट गाइडलाइंस आपके वीडियो पे आ चुकी है, कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुकी है, तो उसे किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं अपने चैनल पर से या फिर अपने वीडियो पर से, किसी तरीके से उसे रिमूव करके अपने वीडियो को पब्लिक करा सकते हैं, उसमें कौन कौन से कंडीशन ऐसे होते हैं, किस तरीके से आपको अपील लिखना होता है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है और कॉपी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है। मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ये होता है जो कि YouTube की तरफ से बनाया जाता है, मतलब YouTube का जो रूल होता है, जैसे कि YouTube का रूल ये है कि YouTube के खिलाफ आप वीडियो नहीं बना सकते या फिर हार्मफुल डेंजरस कंटेंट नहीं अपने वीडियो पर अपलोड कर सकते। हार्मफुल डेंजरस कंटेंट जैसे कि कहीं एक्सीडेंट हो गया है उसका आप वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, सेक्सुअल कंटेंट अपने वीडियो पर नहीं अपलोड कर सकते। अगर उस प्रकार से आप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन में आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मुझे मिला हुआ। और एक होता है कॉपीराइट स्ट्राइक, मतलब आपके वीडियो को किसी के अदर मतलब किसी के चैनल पर से आपने वीडियो आपने डाउनलोड करके अपने वीडियो पर अपलोड कर दिए, अपने वीडियो पर यूज कर ली, जैसे मान लीजिए IPL का कई लोग यूज करते हैं और कई लोग क्या करते हैं कॉमेडी का कुछ भी सीन अपने वीडियो को अपलोड कर देते हैं, तो उसे क्या करती हैं अलग अलग कंपनियां आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे देती हैं, आपके वीडियो को रिमूव करवा देती हैं YouTube से कहकर। एक तो होता है जैसे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के थ्रू आपका ऑटोमेटिक वीडियो डिलीट हो जाएगा, एक कॉपीराइट स्ट्राइक के थ्रू आपकी कंपनियां मतलब या फिर जिसका कंटेंट रहेगा वो डिलीट करवाता है। तो चलिए आपको किस तरीके से अगर आ चुका है किस तरीके से आप अपील करके अपने चैनल पर से हटवा सकते हैं सारा कुछ बताते हैं। तो चलिए ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ पर अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। चलिए आपको अपने टेक्स्ट में क्या लिखना है, मतलब अपील के लिए क्या YouTube को लिखना है और किस तरीके से अपील करना है। तो सिंपली यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को दिखा देते हैं कि मैंने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें लिखी हुई जिससे कि YouTube हमारे वीडियो को रिमूव कर देगा या फिर YouTube हमारे वीडियो को रिव्यू करेगा ज़रूर। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना यहाँ पर ओपन कर लेते हैं नोटपैड में, हमने सारी चीज़ें लिख कर रखी है जिससे कि आप भी आसान तरीके से इसी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, बल्कि आप अपने हिसाब से थोड़ा नीचे का जो है लिख सकते हैं। आप इतना तो लिख सकते हैं डियर YouTube टीम, आई हेड कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और यहाँ पर सेक्सुअल ईटी, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डियर YouTube टीम आई वांट, मतलब YouTube टू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि YouTube पर कुछ इस प्रकार की वीडियो अवेलेबल है, मतलब आपको रिसर्च कर लेना है कि उस प्रकार के वीडियो अवेलेबल है जिस प्रकार की वीडियो आपको डिलीट की गई है। मान लीजिए आपने कोई कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन किया है तो वो भी बता देना है YouTube को। और यहाँ पर लास्ट में आपको लिख देना है कि सर मेरे वीडियो पे क्यों आया, तो यहाँ पर देख रहे हैं डियर सर वाई हैपन, यहाँ पर ओनली फाइव माई हैव कॉपीराइट स्ट्राइक, मतलब मेरे वीडियो पे सिर्फ क्यों आया। अगर आप अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं सिंपली आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर क्या सर्च करना है आपको बता दें, गूगल पे जाकर सिर्फ हिंदी तो इंग्लिश लिखेंगे, यहाँ पर हिंदी में जो भी टाइप करेंगे आप यहाँ पर नीचे में आपका यहाँ पर इंग्लिश में शो हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर वाट आ रहा है, तो कुछ इस प्रकार से जो भी आपका प्रॉब्लम है हिंदी तो इंग्लिश लिख लेना है गूगल पे। इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली कॉपी करके अपने नोटपैड में बना लेना है मैटर। इसके बाद सिंपली इसे क्या करते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सारा कुछ यहाँ से कॉपी करते हैं। अब चलिए वीडियो पे कैसे अपील करना है सारा कुछ आपको बताते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करते हैं ऑल को और इसके बाद यहाँ पर कॉपी करते हैं। इसके बाद सिंपली चलते हैं अपने YT स्टूडियो अप्लीकेशन पे। यहाँ पर जैसे ही आएंगे आपको सारा कुछ बैक करके दिखा देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जैसे ही आएंगे यहाँ पर आपका सारा कुछ दिख जाएगा। सिंपली आपको कंटेंट वाले ऑप्शन पे आना है, व्यू मोर पे क्लिक करना है। व्यू मोर पे जैसे क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल करके आना है, जिस वीडियो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आया है उसे सेलेक्ट कर लेना है। मतलब मेरा यहाँ पर वीडियो नीचे आते हुए यहाँ पर देख रहे हैं काइंड मास्टर विदाउट वॉटरमार्क कैसे डाउनलोड करें, यहाँ पर मैंने किसी एप्लीकेशन का हैक का बताया था इसीलिए मेरे कॉपीराइट आया हुआ है, लेकिन इस प्रकार की ढेर सारी वीडियो YouTube पे अवेलेबल है इसीलिए मैंने बनाया था। लेकिन चलिए फिर भी क्या कर सकते हैं, हम YouTube कॉपी भी करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर रिमूव जो लिखा हुआ है यहाँ पर नॉट एलिजिबल लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस बार नीचे यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी दिस इज वीडियो हैव बीन रिमूव, यहाँ पर नीचे अपील का ऑप्शन मिला है तो अपील वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपील वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पर देख रहे हैं आपका सारा कुछ दिखा देगा कि इस एप्लीकेशन इस टाइटल पे आपने वीडियो बनाया था, इसे डिस्क्रिप्शन में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ था इसलिए आपके चैनल पे कॉपीराइट आया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से लिंक डाला हुआ था और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर मेरे चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक एक्टिव है। अपील वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सिंपली जो मैंने कॉपी किया था जैसा देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पर सारा कुछ डियर YouTube टीम हाई एड कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक
यहाँ पर फिर से मैंने जितना लिखा था, प्लीज़ रिमूव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दिस वीडियो पब्लिक ऑन कंसोल, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन इज ए लॉन्ग, मतलब यहाँ पर आप सिर्फ 300 वर्ड तक लिख सकते हैं। तो मेरा थोड़ा डिस्क्रिप्शन ये लॉन्ग हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एडिट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको वेट करके देखना पड़ेगा। सो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको 300 वर्ड तक ही अलाउ है, तो यहाँ पर मैं 255 वर्ड यहाँ पर टाइप कर चुका हूँ, जो कि किस इस प्रकार से है, आपको जो अपने हिसाब से टाइप करना, लेकिन जो मैंने फर्स्ट ऊपर मैंने ये बताया हुआ है इसे सबसे ऊपर आपको रखना है। जैसा कि आपको दिखा देते हैं यहाँ पर डियर यूट्यूब टीम आई हैड, जो मैंने लिखा हुआ है तो इसको आपको सबसे ऊपर रखना है जैसा कि मैं रखा। इसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है, फिर से एक बार सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अपील का उनके पास चली गई है, यहाँ पर देख रहे हैं योर अपील मीटेड आई हैव वांट रॉन्ग, तो यहाँ पर ऑन ऑफ यहाँ पर देख रहे हैं, सिंपली आपको क्या करना है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे इसके बाद यूट्यूब के पास ये अपील पहुँच जाएगी, और इसके बाद यूट्यूब यहाँ पर आपको देख रहे हैं अपील करने का जो ऑप्शन मिलता है एक ही बार मिलता है, इसके बाद आप अपील नहीं कर सकते। इसके बाद यूट्यूब रिव्यू करेगा, अगर आपकी वीडियो में कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिक रिमूव कर दी जाएगी, पब्लिक कर दी जाएगी। तो कुछ इसी प्रकार से आप अपनी वीडियो का अपील कर सकते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद। हाय दोस्तों, आप सभी को वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप सभी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हमें, आपको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।